हाय गाइस, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब पे अच्छे तरीके से वीडियो अपलोड करोगे, ठीक है। जो आप नए यूट्यूबर हो उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने टाइम आपको कौन सा सेटिंग को इनेबल करना है, कौन सा सेटिंग को डिसेबल रखना है, वही सब आज की इस वीडियो में बताएंगे। और मैं आपको सिखाऊंगा भी कैसे आप वीडियो अपलोड करते हो, कैसे आपको टाइटल लगाना है, कहाँ से टैग्स लाना है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि किस तरह से आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो। यूट्यूब पे आपके पास यूट्यूब चैनल है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। आपने एक यूट्यूब चैनल बना के रखा हुआ है और आपको वीडियो अच्छा से अपलोड करना है यूट्यूब पे, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हो और लैपटॉप स्क्रीन पे आने के बाद आपको करना क्या है, अपने लैपटॉप में जहाँ भी आपका यूट्यूब चैनल लॉग इन करे हो, ठीक है, जिस भी ब्राउजर में, तो मैं इधर ब्राउजर ओपन करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा ये चैनल आ चुका है। और इधर आपको वीडियो अपलोड करने के लिए आप देख सकते हो, इधर आपका जो साइड में कॉर्नर है उसमें आपको क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर उसके बाद आपको देख सकते हो इधर अपलोड वीडियो का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए, इतना करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने वीडियो में आप भी वीडियो को आपको अपलोड करना है, उस वीडियो में आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको उस वीडियो के जहाँ पर भी है उधर आपको चला जाना है, उस फाइल में, ठीक है। तो फाइल में तो इधर देख सकते हो, मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो हिंदी सॉन्ग, ठीक है। मैं आपको अपना वीडियो दिखा देता हूँ जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर देख सकते हो इसका जो नाम होता है रीनेम में कर देता हूँ, ठीक है। रहता है नाम, आप देख सकते हो मैं एक्सपोर्ट किया, उसके बाद इसका नाम देख सकते हो और इधर देख सकते हो इसका नाम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इधर देख सकते हो ये नाम है, तो आपको इस पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है वीडियो, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद आपको रीनेम कर देना है, ठीक है। रीनेम करने के बाद आपका जो वीडियो है, वीडियो का टाइटल है, ठीक है, जो आप वीडियो में लिखना चाहते हो आपको इधर ही लिख देना है, ठीक है। आपको यूट्यूब में जाके नहीं लिखना है, आपको इधर लिखना है, ठीक है। इधर टॉपिक पे वीडियो, आपको उस टॉपिक को लिख देना है। तो मैं फिलहाल इधर हिंदी सॉन्ग लिख देता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद आपका ये टाइटल हो चुका है, जितना भी बड़ा टाइटल है आप लिख सकते हो। सबसे पहले आपको अपने वीडियो में ये कर लेना है, ठीक है। और करने के बाद आपको क्या करना है, अब चला जाना है अपने जो सिलेक्ट फाइल जो होता है, उसके बाद आपको आना है सिलेक्ट फाइल पे। तो चलिए, अब आप इस उसके बाद आपको इस इधर क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो वीडियो है वो आपको इधर सिलेक्ट करना है। तो मैंने इधर हिंदी सॉन्ग लिखा था, ये वीडियो में ले लेता हूँ। उसके बाद आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप देखो अब क्या होगा कि जो आपका टाइटल था वीडियो का वो आपके वीडियो में आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप इधर अपलोड करोगे तो आ जाएगा, देखिए हिंदी सॉन्ग था, इधर आ जाएगा, देखो हिंदी सॉन्ग आ गया है, इधर देख सकते हो आप। और अब आपको क्या करना है, इधर अपना चैनल का नाम भी ऐड करना है अपने टाइटल के साथ साथ, ठीक है। तो चलिए मैं इधर अपना चैनल का नाम रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी आपका टाइटल है आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है और डिस्क्रिप्शन में आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, पेस्ट कर देना है। और डिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या डाल सकते हो कि अपने फेसबुक आईडी का लिंक, इंस्टा का लिंक, और हो सकता है कि आपके पास कुछ और हो सोशल मीडिया, उसका लिंक सब डाल सकते हो। ऐप रिव्यू कर रहे हो तो ऐप वीडियो बना रहे हो तो ऐप का लिंक डाल सकते हो, बहुत कुछ डाल सकते हो, ठीक है इसमें। और आपको क्या करना है, एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेना है आपको, और उसके बाद आपको अपने वीडियो के बारे में, जो भी आपका वीडियो है, जो भी आपका वीडियो का टॉपिक है, वो उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है, ठीक है। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, टैग जो होता है आपको इसमें अपने वीडियो में टैग भी इधर ऐड कर देना है। तो टैग कैसे लगाता है मैं वीडियो आपको अगाड़ी बताता हूँ। इतना करने के बाद आप देख सकते हो इधर आपका थंबनेल का भी एक ऑप्शन आएगा, तो आपको इधर एक अपना वीडियो का थंबनेल बना लेना है। तो थंबनेल कैसे बनाना है वो मैं कल एक वीडियो अपलोड करूंगा, या हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल पे एक वीडियो आ भी चुका होगा कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपको देखना है तो जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, मैं इधर अपलोड कर पे क्लिक करता हूँ, और अपलोड करने के बाद आपको इमेज में जाना है, जहाँ भी आपका जो थंबनेल है उधर जाने के बाद आपको क्या करना है, उधर से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, इधर मेरा एक थंबनेल है कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो लाइव यूट्यूब लाइव ले लेता हूँ, चलो ठीक है। आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ, आपका जो है वो सिलेक्ट कर लेना। और इतना करने के बाद आपको नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको इधर प्लेलिस्ट, अगर आप बनाए होंगे प्लेलिस्ट के बारे में कुछ और नेक्स्ट डे बात करेंगे। और उसके बाद आपको इधर देखिए, आपको फीड का मतलब क्या होता है कि आपको भी पता होगा कि बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आपका आपका वीडियो कैसा है, आपका वीडियो बच्चे लोग का देखने वाला है, मोटू पतलू जैसा होता है वैसा है, तो आपको इधर एस करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको इसे नो कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सीधे मैं नो करके रखता हूँ। उसके बाद आपको इधर क्या करो, शो मोर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। और अगर आपका खुद का वीडियो है तो आपको इधर माय वीडियो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आप देख सकते हो टैग टैग का ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपको अपने चैनल का, सबसे पहले आपको चैनल का नाम लिख देना है टैग में, ठीक है। और
ठीक है, और इंटर करना है, ठीक है, टैग लगाना है। और देखिए अब यहाँ आपके वीडियो का सबसे मेन यही है, ठीक है, टैग। आप अपने वीडियो का टैग सबसे अच्छा लगाओ। और आपको क्या करना है, आपका वीडियो का जो टाइटल है उसे क्या करना है, कॉपी करना है सबसे पहले, और कॉपी करके उसके बाद इधर डाल देना है। और इसमें और टैग लगाना पड़ता है, 500 टैग है इधर देख सकते हो। तो टैग कैसे लगाता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो कि टैग कैसे आप लगा सकते हो अपने वीडियो में अच्छे तरीके से, और कहाँ से आप टैग लाओगे। आप इतना सारा टैग अपने टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है वीडियो का, वो टैग आप किधर से लाओगे। तो जाके जरूर से ये वीडियो देखना, इस वीडियो का लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके जरूर देख लेना। और उसके बाद आपको इधर टैग लगा लेना है, तो मैं इधर टैग लगा लेता हूँ। और टैग लगाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है, इधर देख सकते हो लाइक है। अगर आप एक नया यूट्यूबर हो तो आपको क्या करना है, अपना वीडियो का जो लाइक है उसे आपको हाइड ही करना है, ठीक है। तो इधर आप अनटिक कर दोगे तो आपका जो लाइक होता है वो आपको, अगर कोई भी आपका वीडियो देख रहा है तो सिर्फ लाइक करेगा, और उसको लाइक कितना है वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसे आप अनटिक करके रखना अगर आप एक नया यूट्यूबर हो तो, ठीक है। और उसके बाद आपको एक लैंग्वेज का ऑप्शन भी मिलेगा, इधर देख सकते हो, तो एक मिलेगा आपको वीडियो लैंग्वेज, तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, और आपका कौन सा, आपका वीडियो कौन सा लैंग्वेज में, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इधर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी हिंदी, तो चलिए मैं इधर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आपका वीडियो का जो सेटिंग है वो सब कंप्लीट हो चुका है। इसमें बहुत सारा सेटिंग है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है वैसे भी, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इधर जो आ रहा है ऑप्शन, ये नया ऑप्शन आया है, ठीक है। तो आपको अगर डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो आपको सिंपल से नेक्स्ट कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आप देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनलिस्ट पे रखना है, ठीक है। अनलिस्ट करके उसके बाद आपको सेव करना है अपने वीडियो को, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अपना वीडियो सेव कर लेना है, और चलो मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और डायरेक्ट आपको पब्लिक नहीं करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अनलिस्ट पे क्लिक करना है, और इतना करने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से आपका वीडियो इधर आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़े एक दो मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से इधर देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, उधर पब्लिश कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, और इस तरीका से आप अपने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। तो मैं इसे पब्लिश इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो मेरा मेन चैनल के लिए है जो अभी आप देख रहे हो, और इस चैनल, ये चैनल पे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ जो हिंदी का है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप देख सकते हो कितना अच्छा अच्छा वीडियो है ये, मैं आप अगर आपका एक शॉर्ट वीडियो है तो आप किधर से आप एक शॉर्ट वीडियो सब डाउनलोड कर सकते हो 4K में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आपको मिलते हैं फिर से वीडियो में, आपको टैग जरूर लगाना है। तो टैग कैसे लगाना है, जाके मेरे ये बिला वीडियो देखिए, इधर आ रहा होगा, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा लिंक, आप उस पर क्लिक करके वो बिला वीडियो देख सकते हो, नहीं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो चलिए और आप मिलते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में, कहेंगे कि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए थे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।